तमाम मंच है, वहाँ पर भी लगातार जब आपकी टीवी स्क्रीन्स पर हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है उनके निवास स्थान पर, उन्हें उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया है, जहां राष्ट्रपति की ओर से कल ट्वीट भी किया गया था और दुख व्यक्त करते हुए, संवेदना जाहिर करते हुए उन्होंने कहा था कि देश ने अपनी एक बेटी को खो दिया है। तो ऐसे में आज तमाम जो परिवारजन हैं उन्हें ढांढस भी बंधा रहे हैं, संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन्स पर हैं, उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं और संवेदनाएं प्रकट की जा रही है शोक संतप्त परिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से। तो इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कल दुख भी व्यक्त किया था, एक अपूर्णीय क्षति से करार दिया था और आज सुषमा स्वराज के निवास स्थान पर उनकी पार्थिव देह को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सुबह 11 बजे तक पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पार्थिव देह को उनके निवास स्थान पर ही रखा जाएगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक बीजेपी मुख्यालय में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। दोपहर 3 बजे के बाद अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद अंतिम संस्कार होगा।